अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीदें ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ काले चने, उसको तलूँगी अफ्तारी के लिए। ये मैं ऑयल डाल देती हूँ, तकरीबन आधा कप है ये। ये मैं भर के चम्मच डाल देती हूँ जीरे का, थोड़ा सा और डाल देती हूँ तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी चने। इसको काला नहीं करना है बिल्कुल भी, हल्का हल्का सा ये ब्राउन हो जाए तो फिर डालते हैं। ये ब्राउन होना शुरू हो चुका है हमारा जीरा। तकरीबन एक पाव है चने मेरे पास, ये मैंने धो के उबाल लिए हैं और उबालने के बाद भी मैंने धोए, क्योंकि अक्सर वो काला काला पानी होता है ना चनों का, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो अक्सर धो लेती हूँ चने। चने जी हमारा जीरा हो चुका है, मैं डालती हूँ। हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये देखें, ये मैंने दो दरमियाने प्याज काट लिए हैं, दो टमाटर हैं और पांच छह ये हरी मिर्च हैं, तो हम इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, चटनी पकती रहती है चनों में। अब हम डालेंगे इसमें ये चाट मसाला है, तकरीबन मैं दो चम्मच डाल दूँगी इसमें। और ये हरा धनिया है, ये मैंने काट के धो लिया है, मैंने सारे डाल दूँगी इसमें। ये आधी गड्डी है ये चने। आप जैसे ये बन रहे हैं, जैसे मैं बना रही हूँ, आप ऐसे ही बनाइएगा तो बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। और अगर किसने ट्राई किया, बनाए, अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनेंगे। और अब हम डाल देते हैं कुटी मिर्च इसमें एक से, ये डेढ़ चम्मच डालूंगी, क्योंकि इसमें चाट मसाला भी है और हरी मिर्च भी डली हुई है, बस तेज नहीं हो जाए, ज़रा सी और डाल देते हैं बस। और आधी चम्मच नमक, भाई हम नारे मसाले हो गए पूरे, और ये ज़रा सी भुन जाए तो फिर हमारे छोले रेडी। ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा पकाना है। हाँ भैया, कह तो नहीं, बस भून जाए, तेल तेल सा ऊपर आ जाएगा। तेल इतना नहीं डालते इसमें, क्योंकि वो तेल तेल आता है, तेल नहीं ज़्यादा डालते इसके अंदर। मैं दो पाँच मिनट पकेंगे और फिर ये रेडी। हाँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको, ये भून जाए तो फिर दिखाती हूँ। बंद कर दिया है और ये हमारे छोले बन चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं, देखिए बिल्कुल बुन चुके हैं। और इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए प्याजी हमारी बिल्कुल साबुत साबुत है, कच्ची पक्की है, ये गल चुकी है, इतना कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। ये हम फ्रेश आउट कर लेते हैं। ये हम लगा देते हैं इन्हें, देखें इसका लुक माशाल्लाह से, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कमेंट में कि किस तरह से बने, कैसे बने, ये बहुत मज़े के बने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।